हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे इस लेक्चर सीरीज़ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ बुक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से भी टॉपिक मिल सकता है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, यानी स्थिर वैद्युत की विभव या फिर विद्युत विभव। ठीक है, इसका फर्स्ट जो लेक्चर है जिसमें हमने बात करी थी स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, वैद्युत स्थैतिक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज अपन बात करेंगे जो चैप्टर का नाम है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, उसे समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले का रिवाइज करवा देता हूँ। हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने कुछ इस तरीके का कैलकुलेट करा था के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। हमने कैसे डिराइव करा था उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, ये वर्क डन होता है, यानी किए गए कार्य का मान होता है। अगर उस चार्ज को अपन कहाँ से कहाँ पर लेकर जाएँ, यहाँ पर अपन चार्ज को जनरली मूव करते हैं इन्फाइनेट से किसी पॉइंट के ऊपर, तो अपन इसको इन्फाइनेट टी बोल देते हैं, इन्फाइनेट बी बोल देते हैं। याद होगा आई थिंक सो आप सबको कि भाई एक बहुत बड़ा चार्ज है, यानी बहुत बड़ा आवेश है, जो कि अपन ने कहाँ पर रखा था, ओरिजिन पे, यानी मूल बिंदु पे। ठीक है, और अपन एक चार्ज को इन्फाइनेट से किसी डिस्टेंस आर के ऊपर लेकर आए थे, इस पॉइंट को अपन ने बी नाम दे दिया था, और उस चार्ज को अपन कहाँ से लेकर आए थे, इन्फाइनेट। सर वो चार्ज था कौन, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक परीक्षण आवेश, उसको अपन यहाँ पे लेकर आए थे। तो हमने देखा था ये चार्ज और ये चार्ज, यानी दोनों आवेश जो सेम है, लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो ये जो चार्ज है जब यहाँ पे रखा हुआ है, और ये दूसरा जो चार्ज है जो कि समान है, तो इसको दूर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, यानी कुछ बाहरी बल लगाओगे, वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये भी कुछ फोर्स लगा रहा है जिसको अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला था, स्थिर वैद्युत की बल, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। मैग्नीट्यूड मैंने बोला था सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि जब अपन इस चार्ज को इन्फाइनेट से इस पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो उस केस में आपका जो चार्ज है वो एक्सीलरेट नहीं करना चाहिए, मतलब त्वरित नहीं होना चाहिए, उसका जो वेग है वो नियत रहना चाहिए। इतनी बात हमने कर ली थी और उससे फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। अब आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा, जब की ये होती है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, F के। ये बात अपन क्लियरली देख भी सकते हैं, क्योंकि जब अपन ने U कैलकुलेट करा था, वर्कडन कैलकुलेट करा था, तो वर्कडन एक्चुअली किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल इंटू विस्थापन। तो अपन बोल सकते हैं कि U इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, F के, और F खुद किसके इक्वल आता है, K क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर के, अगर चार्ज में Q और क्यू नॉट मानता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो F है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, Q नॉट के। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं U इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके, Q नॉट के, वो यहाँ से भी दिख रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अपन को ये पता पड़ा कि Q नॉट जितना बड़ा होगा उसको लाने में अपन को उतना ही एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर अपन इस Q के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो चार्ज है वो जितना बड़ा होगा, इस Q नॉट को इधर लाने में अपन को उतना ही ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा अपन को वर्क डन करना पड़ेगा, जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जितना इसका परिमाण ज़्यादा होगा, जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ, हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक दूसरी बात जो निकल के आई, एक नई फिजिकल क्वांटिटी अपन बोल सकते हैं, एक भौतिक राशि जो निकल के आई जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो किसके इक्वल होती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वी, उसको अपन बोल रहे हैं वी, वो किसके इक्वल होती है, जो आपने वर्क डन किया है, क्योंकि वर्क डन और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो इक्वल है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी एकांक परीक्षण आवेश पे आपने जितना वर्क डन करा है, दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सी डेफिनेशन है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे आपने जितना वर्क डन करा है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर। अब ये तो हमने रटी रटाई इसी डेफिनेशन पढ़ ली, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या, और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, मैं दो कोई पॉइंट मान के चल रहा हूँ, ए और बी। ठीक है, ये पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट ए है। किसी चार्ज को उठा करके, वो चार्ज कौन है हमारे पास, क्यू नॉट, उठा करके कहाँ से कहाँ पर लाना है, ए से बी पर लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑलरेडी कोई चार्ज रखा हुआ है बहुत बड़ा सारा, जिसको अपन ने क्यू बोला, और ये जो लाइन है इसी के अलॉन्ग ही है, ये वाली लाइन,
ठीक है, इसी को, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग कोई बी पॉइंट है, और इस चार्ज को उठाकर मैं ए से बी तक लाना चाहता हूँ। अब क्योंकि अपन को पता है कि दोनों आवेश समान है, दोनों चार्ज सेम है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इसको करेगा, लेकिन क्योंकि टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो दिए हुए चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता, कोई बल नहीं लगा सकता, इसलिए इसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो बल कौन लगाएगा, फोर्स कौन लगाएगा, सिर्फ ये लगाएगा। इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा उसको मैंने एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया था, तो ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। ठीक है, यानी स्थिर वैद्युत की बल कर रखा है हमने सब पहले ऑलरेडी, तो स्थिर वैद्युत की बल इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इसको यहाँ से यहाँ तक आप लेकर आए हो, ठीक है, तो आप, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपने जो वर्क डन करा है वो कितना करा है, डब्ल्यू ए बी। वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो आप, भाई सपोज मेरे को बी से इस पे लाना होता तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू बी, और यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू ए को, डब्ल्यू ए बी जो है, सॉरी, हाँ डब्ल्यू ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, इसको ए से बी तक लाने में। ठीक है, अब मैंने आपसे उस दिन भी ये पूछा था कि इस पॉइंट में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, जो पॉइंट ज़्यादा पास में होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर किसी चार्ज को, कोई चार्ज अगर ये क्यू नॉट यहाँ पर रखा हुआ होता, उसको मैं अगर ए पर लाता तो कम कार्य करना पड़ता, कम वर्क डन करना पड़ता, और ए को अगर मैं बी पर लाता तो ज़्यादा काम करना पड़ता, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता। क्यों? क्योंकि पॉइंट पास है। तो ये जो डब्ल्यू ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए के। ये वर्क डन की अपन बात कर चुके हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में आपने जितना वर्क डन करा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैं आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूँ, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लाने में आपने जितना वर्क डन करा है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ए और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में मैंने कुछ नहीं करा, उस वर्क डन को क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, उसको उससे डिवाइड करते हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू ए बी आ गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में विद्युत विभवांतर। ठीक है, समझ आ रहा ना, विभव का अंतर, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब इसको अपन सेपरेटली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट, और अपन बात कर चुके हैं कि W अपॉन क्यू नॉट किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अपन जितना वर्क डन करते हैं, एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य V के बराबर होता है। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि किसी भी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क डन करा है, दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में बाह्य बल ने जितना कार्य करा है, एक्सटर्नल फोर्स ने जितना कार्य करा है, एक्सटर्नल बल ने जितना, बाह्य बल ने जितना कार्य करा है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको अपन लिख सकते हैं वी बी, और इसको लिख सकते हैं वी ए। बात आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। अब जनरली जब भी अपन को पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट का निकालना होता है, तो इस पॉइंट को, इस ए पॉइंट को उठा के अपन कहाँ पे रख देते हैं, इन्फाइनेट पे। इस ए पॉइंट को उठा के कहाँ पे रख देते हैं, इन्फाइनेट पे, जैसे अपन पहले कर रहे थे कि चार्ज को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फाइनेट। अच्छा, इन्फाइनेट होता क्या है, जैसे समझ लीजिए आपके पास ये कोई मार्कर है और इस मार्कर पे चार्ज है, तो मैं कह रहा हूँ इस चार्ज से, इस मार्कर से इतना डिस्टेंस, इतना दूर का डिस्टेंस, ताकि इसका, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो कितना हो जाए, लगभग जीरो हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे अपन गुरुत्वाकर्षण जो पढ़ते थे ना, जो आपका ग्रेविटेशन पढ़ते थे, सब कुछ वैसा ही है, उसमें भी यही होता था, गुरुत्वाकर्षण विभव के बारे में अपन पढ़ते थे, यानी हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वही का वही है कि भी किसी भी कोई हम अर्थ को लेकर चलते हैं, अपने प्लैनेट को लेकर चलते हैं, तो उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर रीज़न एक ऐसा आएगा जिसके बाद अर्थ की जो ग्रेविटेशन फील्ड है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण विलोक क्या हो जाता है, जीरो। उस पॉइंट को अपन ने क्या मान लिया, इन्फाइनाइट। इस तरीके से चार्ज एक आवेश है, सपोज इस डिस्टेंस तक आते, इस डिस्टेंस के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ना के बराबर, तो ये पॉइंट इसके लिए क्या हो गया, इन्फाइनाइट। तो मैं यहाँ से चार्ज को यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है,
चार्ज जितना छोटा होगा उसका मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उसके लिए इन्फाइनाइट पॉइंट उतना ही पास होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज बड़ा होगा उसके लिए इन्फाइनाइट पॉइंट उतना ही दूर होगा। बहुत कॉमन सेंस ही बात है। जैसे मार्कर है तो उसके लिए काफ़ी दूर होगा क्योंकि बहुत बड़ा चार्ज है। बहुत छोटा सा पॉइंट चार्ज मान के मैं चल लूँ तो उस केस में जो उसका इन्फाइनाइट होगा काफ़ी पास होगा। तो इन्फाइनाइट का मतलब क्या है, जहाँ पे उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो कितना हो जाए, जीरो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आई थिंक समझ आ गया कि भाई चार्ज को ए से बी तक लेकर आ रहे हैं, जितना उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितना भी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन करा उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है कि भाई एकांक धनावेश के ऊपर बाह्य बल ने जितना कार्य करा वो क्या है, उसका विद्युत विभवांतर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट ए को कहाँ पे लेके जा रहे हैं अपन, इन्फाइनाइट पे। तो ए कहाँ पे चला गया हमारे पास, इन्फाइनाइट पे। ए टेंड्स टू इन्फाइनाइट, इसको रीड क्या करेंगे, ए टेंड्स टू इन्फाइनाइट, जैसे लिमिट में लिखते हैं। ए कहाँ की तरफ जा रहा है, इन्फाइनाइट, अनंत की तरफ जा रहा है। तो जब अपन ए को जो है इन्फाइनाइट के ऊपर रख देते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, जब अपन ए को इन्फाइनाइट पर रख देते हैं तो इस ए को उठा करके, इस ए पॉइंट को उठा करके मैंने कहाँ पर रख दिया, इन्फाइनाइट पर। तो ए पॉइंट हमारा क्या है, इन्फाइनाइट पर, अनंत पर। ठीक है, जब ए को मैं इन्फाइनाइट पर रख दूंगा तो हम ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इन्फाइनाइट के ऊपर इस चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हो रही है, इसलिए इस पॉइंट के ऊपर यानी इन्फाइनाइट के ऊपर जो वर्क डन होता है वो भी ज़ीरो होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना होता है, वो भी ज़ीरो ही होता है। क्योंकि आपको दिख रहा है ना, ये अगर W ज़ीरो हो गया तो ये जो V है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अपन इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, V इन्फाइनाइट B, या पहले W लिख देते, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, W इन्फाइनाइट माइनस W B अपॉन Q नॉट। अभी आपको बताया W इन्फाइनाइट अपॉन Q नॉट माइनस W B अपॉन Q नॉट। समझने वाली बात यह है कि W इन्फाइनाइट अपॉन V नॉट को, Q नॉट को अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल यानी विद्युत विभव अनंत पर, और ये विद्युत विभव B, वी हैव डन अ मिस्टेक, क्योंकि बी ज़्यादा हाई पोटेंशियल पर है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो बी माइनस इन्फाइनाइट होगा। तो ये हो गया हमारे पास बी और ये हो गया हमारे पास इन्फाइनाइट। ठीक है, तो इस केस में ये जो है हमारे पास बी का पोटेंशियल हो जाएगा और ये हमारे पास इन्फाइनाइट का, और अभी आपको बताया था इन्फाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, ज़ीरो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वी बी माइनस जीरो, यानी वो किसके इक्वल हो गया, बी बी के। यानी अगर चार्ज को आप इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर आते हो, देखिए अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह गया, अभी सिर्फ क्या हो गया है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, अगर अपन किसी ऐसे दो पॉइंट पर चार्ज को मूव करा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं पास पास हैं, या दोनों के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब दोनों के ऊपर इस चार्ज का इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे पॉइंट ए यहाँ पे था तो ए पे और बी पे दोनों पे किसका इफेक्ट था, क्यू का। लेकिन अगर इस ए को मैंने इन्फाइनाइट पे जाके फेंक दिया, दूर फेंक दिया, हटा दिया, तो उस केस में इस पॉजिटिव चार्ज का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब नहीं पड़ता तो उस केस में अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ बी पॉइंट पे, तो वो उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट पर आप लेके आते हो, चार्ज के पास किसी पॉइंट पर आप लेकर आते हो और कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करते हो, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन है, जो एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, वो क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो अलग अलग चीज़ें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ही पार्ट है। अभी अपन ने पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, फिर उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, उस ए पॉइंट को कहाँ पर रख दिया, इन्फाइनाइट पे। तो जब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बोलते हैं तो यहाँ तो अपन बोल सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किया गया वर्क डन, एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, या फिर अपन बोल सकते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स ने जितना वर्क डन करा उस पॉइंट का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि इन्फाइनाइट पे जो वर्क डन होता है वो भी जीरो होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल भी कितना हो जाता है, ज़ीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरली जब हम निकालते हैं तो जैसे मैंने ए और बी का निकाला, तो ए का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और बी का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला ये पॉइंट है दो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ इसका जो पोटेंशियल है वो है 2 वॉट, अभी बात करेंगे इसके यूनिट के बारे में, और बी इसका पोटेंशियल है लेट से माइनस का 5 वॉट।
तो ये जो मैंने 2 वाट और 5 वाट लिखा है ये क्या है, ये मैंने किससे कंपेयर किया है, इन्फाइनाइट से। यानी अगर उस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को अगर मैं इन्फाइनाइट पर रखता तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता, जो कि जनरली जीरो होता है वो, और उस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 2k। आप बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं a का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूँ तो ये किससे कंपेयर किया हुआ है, इन्फाइनाइट से। अगर मैं b का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूँ तो किससे कंपेयर किया हुआ है, इन्फाइनाइट से। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VAB का मतलब चार्ज को a से b पर लेकर गया है, तो जब भी ऐसा करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो हो जाएगा माइनस का 5 माइनस और माइनस का 2, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता, माइनस का 7। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ चार्ज को ए से बी पर लेके जा रहा हूँ यानी वी बी ए, तो उस केस में मैं लिखता वी ए माइनस वी बी, फाइनल माइनस इनिशियल, उस केस में हमारे पास हो जाता 2 इसका माइनस और ये माइनस का 5 यानी ये हो गया 7। तो इससे सीधी सीधी बात क्या समझ आती है, अगर चार्ज को ए से बी पे लेके जाते हैं तो वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव, और अगर चार्ज को बी से ए पे लेकर आते हैं तो वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव, जो कि बहुत ऑब्वियस है। अगर चार्ज को हाईर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ज़्यादा वैल्यू है और कम वैल्यू है, ये तो समझ आती है ना बात, तो हाईर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जा रहा है तो आप उल्टा काम कर रहे हो ना, ठीक है। जबकि अगर चार्ज बी से ए पे जाता लोअर पोटेंशियल से हाईर पोटेंशियल पर जाता वर्क डन कैसा होता, ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिव ही होता, क्योंकि एक्सटर्नल किसी ना किसी सिस्टम ने वर्क डन किया, ठीक है। सो ये था पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर मैं ए और बी को सेपरेटली बोलूँ तो ये क्या है, इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आई थिंक सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब अपन जरा इसके यूनिट वूनिट के बारे में बात करते हैं। तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया कि वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये अपन ने बचपन में बहुत फॉर्मूला पढ़ा होगा। डब्ल्यू के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट क्या है, जूल, और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, कूलाम। जूल पर कूलाम इसकी यूनिट हो गई, या जूल कूलाम इन्वर्स। और जो आपका एक जूल कूलाम इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एक वोल्ट के। डेफिनेशन अगर आपको देनी है तो सिंपल है कि भाई एक कूलाम चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में एक जूल वर्क डन करना पड़े तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक वोल्ट। वही डेफिनेशन है, बस ऊपर ने चार्ज एक कूलाम रख दिया और वर्क डन कितना हो गया, 1 जूल। यहाँ से इसकी अगर अपन डायमेंशन यानी इसका वो निकालें विमा, तो कार्य की आपको पता होना चाहिए m1 l2 t-2, और इसकी अपन को पता है t1 और a1। सॉल्व करते हैं m1 l2 t-3 a-1। सो दिस इज दी डायमेंशन यानी विमा हो गई इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। ये सारा नोट्स जो है, जो भी सब मैंने यहाँ पे जो लिखा है सारी रामायण, ये सब आपको नोट्स में मिलेगी, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। वैसे अपन ये ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि अपन ने वर्क डन यानी पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूँ तो इसके लिए अपन ने के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये डब्ल्यू की वैल्यू अपन ने, यू की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की हुई है। अगर मैं इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देता, सॉरी क्यू क्यू नॉट है, तो हमारे पास आ जाता के क्यू अपॉन आर, ये इसका वी की वैल्यू आई, ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हो आप। और आपको ऐसा नहीं करना, एग्जाम में आ जाता तो पूरा डेरिवेशन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, डेरिवेशन सेम ही है, कुछ अलग तो है नहीं इसमें, कि भाई वही हमारे पास ओरिजिन यानी मूल बिंदु है, वहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अपन को एक पॉइंट पी दे रखा है, इस पी पॉइंट पे अपन को पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए सबसे पहले अपन वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो पोटेंशियल निकल नहीं सकता। और एक चार्ज को अपन इन्फाइनाइट, एक चार्ज हमारे पास क्यू नॉट, उसको कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फाइनाइट से लेकर आ रहे हैं। इस पॉइंट पी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना है, आर वेक्टर। देखिए मैं पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है ये कि भाई एक टू डायमेंशनल सिस्टम बनाया गया है द्विविम निकाय, जिसमें एक पॉइंट यहाँ पे पी अपन मान रहे हैं, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है पहले ही। तो ये अपन ने क्या ले रखा है, आर, और जो पॉइंट है हमारे पास वो कहाँ पे, इन्फाइनाइट में क्यू नॉट चार्ज है, और उसको इन्फाइनाइट से
इस पी पॉइंट तक लाना है और पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ रखा है। ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भाई आपको जब पहले तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पहले वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी विभव निकालना है, तो सबसे पहले कार्य की गणना करनी पड़ेगी। तो सबसे ऑब्वियस ही बात है, वर्क डन निकालने के लिए फोर्स चाहिए, बल चाहिए, और बल कौन लगा रहा है? बाह्य बल लगाया जा रहा है हमारे द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स वेरी कर रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि दूर होगा तो फोर्स कम होगा, जैसे 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 पास जाते जाओगे वैसे वैसे फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फोर्स है वो किसके जाएगा प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के, ठीक है ना। अभी बताया ना आपको, जो एफ एक्सटर्नल है आपका वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेगेटिव के इक्वल है तो सेम ही ना, उसका फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, के क्यू वन क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कम करते जाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, दूर जाओगे थोड़ी कम होगी, दूर जाओगे और थोड़ी कम होगी, इन्फाइनेट पे जीरो हो जाएगी। जैसे जैसे आप पास जाते जाओगे वैसे वैसे फील्ड क्या होती जाएगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो जैसे मैं आपको ग्राफ के थ्रू अगर मैं समझाना चाहूँ, तो ये आपका एफ था, ये आपका आर था, जब भी ऐसा होता तो ऐसा ही ग्राफ बनता है। तो जैसे जैसे आप पास जाते जाओगे, पास जाते जा रहे हो, वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है फोर्स की वैल्यू। तो ऑब्वियस ही बात है, फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो इसकी वैल्यू अपन डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई ये फोर्स है एफ और इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, इन्हें विस्थापन देख लेते, दोनों को गुणा कर देते और आंसर आ जाता। लेकिन कभी भी फोर्स अगर हमारे पास वेरी करता है, बदलता रहता है, चेंज होता है, तो उस केस में अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और सबसे पहले अपन थोड़े से वर्क डन, छोटे से वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट मान रहा हूँ, ए और बी। मेरे को इस चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है, किसको? क्यू नॉट को, ठीक है। तो क्यू नॉट हमारा यहाँ कहीं है, उसको ए से बी तक लेके जाना है। और इस क्यू नॉट की इससे डिस्टेंस कितनी है? इससे डिस्टेंस है इसकी एक्स। तो जब वो ए से बी तक जाएगा, और ए से बी तक का डिस्टेंस अपन कितना मानते हैं हमेशा से? डी एक्स, ठीक है। तो आपने वर्क डन कितना करना है? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल यानी बाह्य बल डॉट डी एस वेक्टर। अब बात अच्छे से आपको समझनी है कि जब मैं इसको ओपन करूँगा तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी? एफ एक्सटर्नल डी एक्स और एक कॉस एक्स वर्स सी। अब आपको थोड़ा समझना है, समझना क्या है भाई, कि फोर्स तो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, मतलब बल इस दिशा में लग रहा है, जा भी इसी दिशा में रहा हूँ, तो फिर इस केस में यहाँ पे कॉस 180 लिख कैसे दिया गया है? ध्यान रखना है आपको कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है और ये जो अपने एंगल लिया है 180 डिग्री, वो फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के बीच में, ना कि उनकी भाई वेक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम फोर्स वो लेते हैं एंगल, यानी एफ वेक्टर की डायरेक्शन और डी एक्स वेक्टर की डायरेक्शन, और सारे के सारे वेक्टर ओरिजिन से कंपेयर किए जाते हैं। तो अगर मैं x की भी वेक्टर की डायरेक्शन लेता तो वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होती है, x वेक्टर की डायरेक्शन। मैं ds वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ तो dx वेक्टर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वो ओरिजिन से कंपेयर किया हुआ है। तो dx वेक्टर अगर ऐसा है, f बाह्य बल जो वैसा है, तो उस केस में एंगल भी कितना आएगा? 180, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया k q q नॉट x स्क्वायर dx और cos 90 की वैल्यू माइनस, तो ये हमारे पास dw की वैल्यू है, ठीक है। अपन को वर्क कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है? इन्फाइनेट से पी तक। पहले वाले डेरिवेशन है वैसा ही है, तो अपन वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम इन्फाइनेट टू पी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट भी इसी की जाएगी। अनंत पे एक्स की वैल्यू अनंत ही है, और इस पी बिंदु पर अनंत डिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है? एक्स सॉरी आर। अनंत पर एक्स की वैल्यू कितनी है? अनंत ही है। और इस पी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू आर के इक्वल। तो यहाँ पे लिमिट क्या आ गई? इन्फाइनेट और आर। और यहाँ पे वर्क डन किस किस पॉइंट पे कैलकुलेट हो रहा है? इन्फाइनेट पे और पी पे। यानी अगर मैं इसको लिखूँगा तो क्या लिखूँगा? डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू इन्फाइनेट और माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता चुका हूँ पहले ही कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू आती है माइनस का वन अपॉन एक्स। तो बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले वाले वीडियो में ही है सब कुछ, उसमें से देख लीजिएगा। तो ये वन अपॉन एक्स बच जाता है, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस प्लस इन्फाइनेट से लेके आर तक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू पी और इसके लिए जीरो
और वो आ जाएगी मेरे पास के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर माइनस सॉरी के क्यू क्यू नॉट इंटू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, जिसके लिए आ जाएगी डब्ल्यू पी इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन सो डब्ल्यू पी की वैल्यू हमारे पास ही आ गई है। अगर हमको p की वैल्यू निकालनी है तो किसके इक्वल हो जाएगी डब्ल्यू पी अपॉन क्यू नॉट, देखिए फॉर्मूला वही आ गया के क्यू अपॉन आर। सेम है अगर मैं v के बीच में और r के बीच में कर्व ड्रॉ करूँगा तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। बात करते हैं इसके बारे में भी डिटेल में। इधर देखिए इस चीज़ को कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो चार्ज है वो कैसा है पॉजिटिव यानी धनावेश है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा वो भी कैसा होगा धनावेश यानी पॉजिटिव ही होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा V के बीच में और R के बीच में इस तरीके का। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो V भी कैसा होगा नेगेटिव, उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा क्योंकि V इस बार नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, पोटेंशियल पॉजिटिव हो तो ऐसा और नेगेटिव हो तो ऐसा। अब यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई जो मैंने उस टाइम आपको बता दी थी कि जो अपन वर्क डन कर रहे हैं जो कार्य कर रहे हैं वो कैसा है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है संरक्षी बल की वजह से हो रहा है, इसलिए वर्क डन हमेशा क्या आएगा जो वर्क डन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे। अब थोड़ा सा मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो पाथ है वो स्ट्रेट जैसा हमने अभी माना है वो स्ट्रेट नहीं है, इसको थोड़ा स्ट्रेट दिखाते अपन। सो ये अपन ने पी पॉइंट और उसको इन्फाइनाइट माना तो अभी पाथ वो स्ट्रेट नहीं है मतलब सीधा नहीं है, मैं उस पाथ को ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, तो भी हम क्या कह रहे हैं कि वर्क डन जो है जो कार्य हो कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन सिर्फ चलो देख लेते हैं ना, विस्थापन की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं जो एंगल बना रही है इसके साथ इसको, तो चलो ये तो ठीक है, कोई और पॉइंट मान के चलते हैं थोड़ा ये वाला पॉइंट, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो जब इसको लूँगा तो इसकी जो डायरेक्शन है आर की वो कुछ इधर आएगी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, ये तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि इसकी पैरेलल हो, ये थोड़ा इसके पैरेलल लग नहीं रहा है क्योंकि हमने पाथ यूँ लिया है ना, तो इसका अपन इसके पैरेलल ले लेते हैं। तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, लेट से थीटा एंगल बना रही है, इस वजह इसके दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा आर कॉस थीटा और एक हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, अब ज़रा ढंग से सुनने वाली बात यह है कि हमने जब बात कर रहे हैं उसके बारे में वर्क डन के बारे में, तो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है एफ डी एक्स एंड डी आर, जो आप लेना चाहें डी आर कॉस थीटा, इसकी वजह से तो वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव। और अगर मैं इसकी वजह से निकालता हूँ वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो ये आता। अब इसके अंदर ये जो साइन थीटा है वो जो है ये जो कंपोनेंट है ये फोर्स के साथ, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो इस तरीके से लग रहा है और आपका जो आर साइन थीटा है वो कुछ इस तरीके से है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का बन रहा है 90 का। और जब अपन क्या बोलते हैं दो के बीच जब वर्क डन के बीच में यानी फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री का बनता है तो वर्क डन कितना हो जाता है जीरो। यानी बेसिकली बात कहने की इतनी है कि अगर हम पाथ को स्ट्रेट नहीं लेकर के कर्व पाथ लेते तो जो इसका पैरेलल कंपोनेंट है जो कि इसके समानांतर है उसकी वजह से तो कार्य आता धनात्मक कार्य आता, और जो इसके लंबवत घटक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से वर्क डन जो हो कितना जाता जीरो आ जाता। इसलिए हम कोई भी पाथ ले हमारा जो वर्क डन है हमेशा वो यही आने वाला है। ठीक है, आई थिंक इसके बाद आपको समझ आ गई होगी। चलिए यहाँ पे अब हम दो चीज़ों को कंपेयर करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव। अब हम इन दो ही चीज़ों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है। मैं क्या कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है विद्युत विभव वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक प्रॉपर्टी है, उसका गुणधर्म है। विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक गुणधर्म है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ, तो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V वो R के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है और E जो होता है वो 1/r² के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा तेज़ी से घटेगी और ये वाली वैल्यू कम तेज़ी से घटेगी।
जैसे सपोज पहले डिस्टेंस दो था, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। यानी कहीं ना कहीं सेम डिस्टेंस के लिए इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वी की वैल्यू कम घटेगी और ई की वैल्यू ज़्यादा घटेगी। इस तरीके से जैसे जैसे हम डिस्टेंस को कम करेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी और इसकी वैल्यू थोड़ी कम बढ़ेगी। तो अगर मैं इन दोनों का कम्बाइंड ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे मैं वी और ई का ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे आर का, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ग्राफ ई को रिप्रेजेंट करता है तो जो वी की वैल्यू है वो ई के कंपैरिजन में कम भी है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूँ कम है उसके अकॉर्डिंग, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा वी के लिए कि घट तो रही है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम घट रही है। आप देख लीजिए कंपेयर करके, अगर मैं इस पॉइंट को कंपेयर करता हूँ इस आर को, इसके लिए ई की वैल्यू तो कम है और इसके लिए वी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं इस पॉइंट को कंपेयर करता हूँ तो पास वाले पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वी। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी ई वाली कर्व है, ये रहा ई वाला कर्व, सेम पॉइंट के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो अगर आप ढंग से कंपेयर करोगे तो एक की वैल्यू कम आएगी और एक की वैल्यू ज़्यादा आएगी। एक की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी और इसी पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा वी की वैल्यू, ये रही वी वाला कर्व, ये रहा नीचे वाला, तो जो वी की वैल्यू वो ये रही और जो ई की वैल्यू वो ये रही। सेम वैल्यू के लिए जब पॉइंट पास होता है ई की वैल्यू ज़्यादा होती है और वी की वैल्यू कम होती है, अगर पॉइंट दूर होता है तो ई की वैल्यू कम होती है और वी की वैल्यू ज़्यादा होती है। कहने का मतलब इतना सा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे ई की वैल्यू वी के कंपैरिजन में ज़्यादा घटती है, कम होती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस आप कम करते जाते हो वैसे वैसे ई की वैल्यू वी के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ती है। दोनों केसेस में ये ज़्यादा घटती भी है और ये ज़्यादा बढ़ती भी है, क्योंकि आर स्क्वायर के इन्वर्सिव पोशल है, और ये कम घटती भी कम है और बढ़ती भी कम है, ठीक है। ये ग्राफ से आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये वी का है और जो नीचे वाला ग्राफ है वो किसका है, ई का, ये दोनों का कंपैरिजन ग्राफ है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको इसके अंदर और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर कोई सिस्टम अगर हम ले लें, चार्ज का सिस्टम, यानी एक आवेशों का निकाय है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, वैसे हम देख चुके हैं ऐसा कुछ, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, इसका R1 वेक्टर, इसका R2 वेक्टर, इसका R3 वेक्टर है ना, इसके ऊपर एक चार्ज रखा है Q1, Q2, इसको Qn ले लेते हैं, इसको Rn ले लेते हैं। इस P पॉइंट पे अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड, इस P पॉइंट के अपन को पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं और जो पोटेंशियल है सारे चार्जेस का वो कितना है, V1, V2, V3, तो उस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3n अप टू Vn। ये अपन Rn वेक्टर इसको नहीं मान लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मानते हैं। तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस होगा ये R1 वेक्टर होगा, ये R2 वेक्टर होगा और ये हमारे पास Rn वेक्टर होगा, जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ठीक है। तो अगर मैं R1, R2, R3 सिंपलिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो अपन R इसको अगर 0 मिलता तो R01, R02 ऐसा मानते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पोटेंशियल जो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग V1, V2, V3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 और P पॉइंट से उनकी डिस्टेंस R1, R2, Rn हो, उस केस में जो हमारा पोटेंशियल है वो K Q1 R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Qn Rn, ये हो जाता है। जहाँ पे आप K कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Qn अपॉन Rn, सो हमारे पास VP की वैल्यू अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हो तो। यहाँ पे आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव जनरेट होगी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे जनरेट होगी, नेगेटिव ही जनरेट होगी। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे, जैसे चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज है और पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी, तो वैल्यू किसके इक्वल होगी, KQ अपॉन R2। यहाँ पे मैंने चार्ज की साइन को नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ई की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को बताना पड़ता है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसी पॉइंट में मुझे वी की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या लिखता, KQ अपॉन R। यहाँ पे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो हमको इसकी डायरेक्शन नहीं बतानी, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है इसके साइन पे, ठीक है।
तो अब कुछ समराइज कर रहा हूँ मैं, वो आपको अच्छे से ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमने पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसकी एक समरी, एक छोटी सी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। वहाँ पर हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, और ई का फॉर्मूला पढ़ा था के क्यू वन क्यू टू सॉरी के क्यू अपन आर। यहाँ पर अपन ने यू या डब्ल्यू का जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, और वी का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है के क्यू अपॉन आर। बस आपको याद भी ऐसे रखना है, वहाँ पे आर स्क्वायर होता था सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास कितना है सिर्फ आर, ये इससे कंपेयर हो रहा और ये इससे। और छोटी सी बात, यहाँ पे चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम कभी भी जब भी वैल्यू सॉल्व करते हैं, जब भी न्यूमेरिकल या कुछ भी सॉल्व करते हैं, तो इनके साइन को लेके नहीं चलते। लेकिन जब अपन यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे, तब अगर चार्ज पॉजिटिव है धनावेशित है तो पॉजिटिव लेना है, और अगर चार्ज यानी आवेश ऋणावेशित है तो उसको ऋणावेशित ही लेके चलना है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है, सदिश राशि है, और एक ऐसी है अदिश राशि। ये इस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, ठीक है। ई निकालना होता तो ये, और डायरेक्शन अंदर, और अगर वी निकालना तो ये, क्योंकि वी तो अदिश है, अदिश है तो कोई डायरेक्शन तो होनी नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपको नोट्स हैं वो PDF में नीचे लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू।